तो भाई अगर आप ट्रैवल वीडियोस करते हो, यूट्यूब वीडियोस कर रहे हो, एंड भाई अगर आप कोई स्मार्टफोन सर्च आउट कर रहे हो जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सको, बहुत सही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सको, तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डॉबिन ओसला, वेलकम टू दी ओसला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर यहाँ पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो। यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज, स्टार्ट करते हैं सीधी बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, या नंबर 4 पर मैंने रखा आईफोन। आपको कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप एप्पल लवर हो, कोई एप्पल की ओर से स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो ना, तभी आप इसी स्मार्टफोन की ओर जाना, वैसे मत रखना। यही रीज़न है कि इसको मैंने नंबर 4 पर रखा, ठीक है। इसके दो माइनस पॉइंट देखने को मिलते हैं, एक इसकी बैटरी एंड भाई इसका स्टोरेज पॉइंट, ठीक है। जो आप 40,000 के बजट में वेट लोगे ना, वो आपको 64 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जो कि सच में माइनस पॉइंट है, ठीक है। पहले प्लस पॉइंट लेने लगा था, ठीक है, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। अभी बात करूँ इसकी मैं बैटरी की, अगर आपने आउटडोर मतलब शूटिंग करनी है ना, तो भाई आपको पावर बैंक की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अभी बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, कैमरे की, ठीक है। लेकिन इसका कैमरा बहुत तगड़ा, आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बैक कैमरे में इसका पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोज़ करना चाहते हो, तब आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है। कैमरा तगड़ा मिल जाता है, लेकिन इसकी बैटरी, इसका स्टोरेज सच में माइनस पॉइंट 2 आ जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। अगर आप एप्पल लवर हो एंड भाई आपने एप्पल की ओर ही जाना है, तो आप जा सकते हो स्मार्टफोन की ओर। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच IPS LCD मिल जाती है, जो कि IP67 रेटिंग के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको 8x1 चिपसेट देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बातों को 3 GB रैम मिल जाती है, प्लस 3 वेड में देखने को मिलेगा। जो 40,000 के बजट में वेड देखने को मिलेगा ना, वो आपको 64 GB स्टोरेज के साथ मिलेगा, ठीक है। बैटरी की बात करूँ, आपको 2942 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सच में कम है। प्लस आपको 15W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, उसके बाद वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ, आपको 12MP कैमरा मिल जाता है, जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बातों को 7MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया आईफोन XR के। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप एप्पल लवर हो, एप्पल का ही फ़ोन चाहिए, तभी स्मार्टफोन की ओर जाना। वैसे अगर आपको एप्पल से फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता ना, तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज आपको बैटरी, लॉन्ग बैटरी लाइफ तो चाहिए यार, सीधी सी बात है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, यार नंबर 3 पर मैंने रखा है OnePlus 8 को। तो यार इसके भी दो वेंड देखने को मिलते हैं, OnePlus 8 एंड OnePlus 8 Pro, ठीक है। बात करूँ मैं OnePlus 8 की, तो ये स्मार्टफोन आपको 40,000 के बजट में मिल जाएगा, नॉर्मली इजीली मिल जाएगा। अभी बात करूँ OnePlus 8 Pro की, तो वो आपको 50,000 के बजट तक देखने को मिलता है। ये दोनों स्मार्टफोन बहुत अपर हैं, डिज़ाइन वगैरह, लुक वगैरह आपको सेम देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्रोसेसर बहुत तगड़ा, कैमरा बहुत तगड़ा, प्लस आपको इंटरनेशनल क्रिएटर्स के पास ना ज़्यादातर आपको OnePlus 8 Pro देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप सर्च आउट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी डीपली चेकआउट करना है, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं OnePlus 8 Pro के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.78 इंच फुल HD पर डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रेफ्रिजरेट के साथ आती है, जो कि फ्लूड डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 5G प्रोसेसर है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा सेट मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP, जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, OnePlus 8 Pro का प्राइस आपको 50,000 देखने को मिलेगा, OnePlus 8 का आपको प्राइस जो है वो 40,000 के बजट में देखने को मिलेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया OnePlus 8 के भी। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है, ये स्मार्टफोन भी पूरा लुक है, लेकिन जो मैं आगे फ़ोन बताने वाला ना, रिकमेंड मैं आपको वही करूँगा। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूँ, या नंबर 2 पर मैंने रखा है MI 10T Pro को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले इसका डिज़ाइन, इसके कलर, इसकी डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा मिल जाता है। उसके बाद अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। भाई अगर आपने एक सिनेमैटिक शूट करना ना, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, बिकॉज आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इसका सच में प्लस पॉइंट आ जाता है। भाई अगर आपने YouTube पे सर्च आउट करना ना, MI 10T Pro सिनेमैटिक शूट आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। प्लस आपको कैमरा एप्लीकेशन में कई ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे,
जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, आपकी फ़ोटोज़, आपकी सेल्फी को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। ये आप पर है कि आप कैसे यूज़ करते हो। तो भाई अगर आपने इंडोर यूज़ करना है या अगर आपने आउटडोर यूज़ करना है, आप जा सकते हो MI 10T प्रो की ओर। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेशर के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 33W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 108MP प्लस 30MP प्लस 5MP जिसपे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 40,000 के बजट में MI 10T प्रो देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI 10T प्रो के भी। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ। नंबर वन पर यार मैंने रखा है सैमसंग गलेक्सी S20 FE। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, अगर मेरा बजट भी 40,000 होता तो मैं भी जाता सैमसंग गलेक्सी S20 FE की ओर। बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा मिल जाता। प्रोसेसर की बात करूँ 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड। अगर आपने गेमिंग करनी है उसके साथ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग भी फ़ोन पे ही करनी है ना, तब भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। 4K सपोर्ट करता है। वीडियो एडिटिंग आप नॉर्मली इजीली कर सकोगे, हीटिंग इशू में नहीं जाने वाला। उसके बाद इसकी मतलब कलर्स की बात करूँ, कलर बहुत प्यारे आते हैं। उसके बाद अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं यार कैमरे की। अगर कैमरे की बात करूँ, आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लस आप सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है, उसके बाद अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, अच्छी फोटोज लेना चाहते हो ना, तो 40,000 के बजट में सैमसंग गलेक्सी S20 FE सच में बहुत ज़्यादा सही है। प्लस 5G स्मार्टफोन है। अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड इस फोन को रखना है भाई, यहाँ पर रख सकते हो। और क्या चाहिए, अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको डीपली पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 रिफ्रेशर के साथ देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले बहुत प्यारा है, बहुत तगड़ा है। ठीक है, प्रोसेसर की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाएगा जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बातों को 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैक कैमरे में आप 8K शूट कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलेक्सी S20 FE के भी। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ भाई, अगर मेरा बजट भी 40,000 होता ना भाई, मैं भी जाता सैमसंग गलेक्सी S20 FE की। और प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप मुश्किल से ही 40,000 जोड़ रहे हो, पे करना है आपने, तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। MI 10T आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, MI 10T के दो मॉडल आते हैं, MI 10T एंड MI 10T प्रो की। ठीक है, अगर बात करूँ MI 10T प्रो की, उसका प्राइस आपको अंडर 40,000 देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ MI 10T की, तो उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 33,000। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते, आप उसकी ओर चल जाना। आपको बैक कैमरे में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें भी मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, जान लुक वगैरह बहुत प्यारी है, डिस्प्ले बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपका बजट 33,000 है, सॉरी यार भूलने लगा था, अगर आपका बजट 33,000 है, आप चल जाना MI 10T की। और अगर आप 40,000 पे कर सकते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है सैमसंग गलेक्सी S20 FE। ठीक है, तो यार अभी मैंने आपको व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन बता दिया जो कि 40,000 के बजट में बहुत ज़्यादा अपर है। ठीक है, तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना यार, उनको भी कह देना कि चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करते लाइक करें, इंस्टाग्राम पर करें फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे यार। थैंक यू।